अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथ वर्क। टुडे वी विल डिस्कस मनी। लुक एट दिस मनी। जी ये देखिए, उन्होंने कहा है कलर था 5 रुपी कॉइन, कि 5 रुपी का जो कॉइन है उसमें कलर करना है। ये देखिए, ये 5 रुपी का कॉइन है तो आपने इसमें ग्रे कलर कर देना है। ये कौन सा कॉइन है? 2 का। और ये 1 रुपी का, तो ये भी 5 का था, हमने इन दोनों में ग्रे कलर कर देना है। इज इट क्लियर? आप देखें नीचे वाली स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कलर एंड मैच द कॉइंस टू द नंबर्स। जी पहले आप लोगों ने कलर करना है और फिर उन नीचे नंबर्स दिए हैं, फिर उनके साथ आपने मैच कर देना है। इन सब में ये कौन सा कॉइन है? ये 1 का है, ये 5 का है, ये भी 2 का है, ये 1 का। अब इसमें भी आप सबने ग्रे कलर कर देना है। अब हम इनको मैच करते हैं। जी 2 का है, ये 2 नंबर लिखा है तो हमने 2 के कॉइन के साथ मैच कर दिया। ये 1 है तो हमने 1 के साथ मैच कर दिया। ये 5 है, ये 5 के साथ मैच कर दिया। अब एक 1 और है, तो ये देखें, ये 1 की फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है, तो हमने उसको उसके साथ मैच कर दिया। ठीक है, अब हम नीचे देखें। रब एंड ड्रा दीज कॉइन्स इन द गिवन स्पेस ब्लो। ये देखें, उन्होंने स्पेस दी है, उन्होंने कहा रब करना और फिर उसको ड्रा कर देना है कॉइन्स को। अब आप लोग देखें, ये कॉइन्स जो हैं, मेरे पास कॉइन्स पड़े हुए हैं, ये देखें कॉइन्स। अब सबसे पहले 1 रुपी का कॉइन है, ये देखें, ये 1 रुपी का है। ये उसकी फ्रंट साइड थी, ये बैक साइड है। ये देखें, ये मैं क्लोज करके आपको दिखा देती हूँ। ये 1 रुपी का कॉइन है। आप सबके पास घर में भी कॉइन्स होते हैं, आप चेक कर सकते हैं। अब मैंने उसको क्या किया, उसकी बैक साइड रख के, ये देखें, पेज को आपने उठाना है, इसकी इस जगह पर रखना है और कोई सा भी कॉइन पकड़ के ना आपने उसको ऐसे ऐसे रब कर देना है, तो ये इस तरह बन जाएगा। इज इट क्लियर? अब हम ये 2 है, अब ये देखें, ये 2 रुपीज़ का कॉइन है, ये 2 रुपीज़ का कॉइन आ गया। इसको भी हमने इधर 2 की जगह पर रख के, तो ये देखें, ये 2 का कॉइन है ना, इसको वहाँ रखा, उसके नीचे वो 2 का कॉइन रखा, हमने उसको रब किया तो ये ऐसी शेप बन जाती है। आपने जहाँ 2 रुपीज़ लिखा है वो वाली साइड रखनी है, तो वो फिर ये वाली चीज़ बन जाएगी। इज इट क्लियर? अब देखें, ये 5 रुपी का कॉइन है, ये देखें, ये 5 रुपी का कॉइन है, तो इसको भी हमने क्या करना है, ये देखें, इसको भी हमने ऐसे उठा के इस 5 की जगह पे रखना है, मिड में रख के, फिर किसी भी कॉइन के साथ उसको हमने ऐसे ऐसे रब करते जाना है, तो ये शेप आ जाएगी। इज इट क्लियर? जी अब आप लोगों ने ये सारा काम करके आप लोगों ने मुझे ये सेंड करना है। अब नीचे देखें, डियर किड्स, अहमद वांट्स टू बाय द बिस्किट्स, कैन यू हेल्प हिम बाय चूजिंग करेक्ट अमाउंट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। वो कह रहे हैं अहमद के पास 10 रुपीज़ थे, उसने एक बिस्किट खरीदा है। अब देखें इन दोनों में से कौन सी अमाउंट जो है मिला के 10 रुपीज़ बनती है। अब ये दोनों क्या है, ये 1 और 1 है, तो ये तो नहीं अमाउंट बनेगी 10 की। अब ये देखिए, ये है 5 और 5, 5 + 5 इज इक्वल टू 10। अब हम देखते हैं, ये देखें, 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5। अब इन सबको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी 5 + 5 इज इक्वल टू क्या बन गया, 10। 5 के अंदर हमने 5 ऐड किया तो क्या आंसर आया, 10। तो उसने क्या चीज़ ली थी 10 रुपीज़ की, बिस्किट, तो हमने इस पर टिक लगा देना। इज इट क्लियर? जी अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। नेम एनी टू हार्ड थिंग्स, टेबल, चेयर, डोर। नेम एनी टू हार्ड थिंग्स, टेबल, चेयर, डोर। नेम एनी टू सॉफ्ट थिंग, फर, वूल, ब्लैंकेट। फर, वूल, ब्लैंकेट। नेम एनी टू रफ थिंग्स, वुडलॉग, बिटर गोर्ड, स्टोन। नेम एनी टू स्मूथ थिंग्स, टेबल टॉप, टीवी स्क्रीन। नेम एनी टू हॉट थिंग्स, टी, कॉफी, सूप। हॉट का मतलब गर्म, और ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, गर्म होती हैं। जी आज क्वेश्चन नंबर 16 है। नेम एनी टू कोल्ड थिंग्स, कोल्ड ठंडी चीज़ें, आइस, आइसक्रीम, जूस। आइस क्या होती है, बर्फ़। आइसक्रीम आप लोग खाते हैं, ये भी ठंडी होती है। जूस ये भी आप लोगों के लिए ठंडा ही होता है। आइस, आइसक्रीम, जूस। नेम एनी टू कोल्ड थिंग्स, कोई सी दो चीज़ों के नाम बताने हैं। अब आइस और आइसक्रीम भी कह सकते हैं, आइस और जूस भी कह सकते हैं, आइसक्रीम और जूस भी कह सकते हैं। इज इट क्लियर? अब हम साइंस के क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। नेम सम पार्ट्स ऑफ प्लांट, फ्लावर, ली, स्टेम, रूट्स। विच पार्ट ऑफ प्लांट आर अबव द ग्राउंड, के जो है पौधे के ऊपर वाले हिस्से कौन से होते हैं जो ज़मीन से ऊपर होते हैं। फ्लावर, लीव, स्टेम।
विच पार्ट्स ऑफ प्लांट आर अंडर द ग्राउंड, के जमीन के नीचे पौधे का कौन सा हिस्सा होता है? रूट्स, जड़ें। विच पार्ट्स ऑफ प्लांट आर अंडर द ग्राउंड? रूट्स। इज इट क्लियर? आई होप यू आर अंडरस्टैंड। नाउ यू आर स्टार्ट योर वर्क।